हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील आप सभी को एस के सी टाइम्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ये दोस्तों प्रतिशत का टोटल 5 प्रश्न आपको इसमें ही बताया जाएगा, जो कि सारे के सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटे। तो ज़्यादा समय नहीं थे दोस्तों, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। जी दोस्तों, अगर बात करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कहता है यदि ए की आमदनी बी की आमदनी से 30% कम है तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले वीडियो में भी हमने बताया है कमी के बारे में, और यहाँ जो है दोस्तों अधिक है यानी कि यहाँ वृद्धि पूछ रही है। तो कमी परसेंट जस्ट आपको पीछे बताया गया था दोस्तों, क्या बताया गया था, अगर मान लेते हैं एक्स है तो क्या बताया गया था दोस्तों कि एक्स मल्टीप्लाई 100, और यहीं पर था दोस्तों एक्स प्लस 100 हो जाता है। तो सेम ट्रिक है दोस्तों, यहाँ ट्रिक चेंज क्या होगा वो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी जो हम बताया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि यदि ए की आमदनी बी की आमदनी से 30% कम है तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यानी कि दोस्तों हमारा वृद्धि वाली ट्रिक लगेगी जो पीछे हम आपको बता चुके हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों कि जितना दिया हुआ है तो 30 अगर हम यहाँ एक्स मान के चले, अगर हम मान लेते हैं कि ए की आमदनी बी की आमदनी से एक्स परसेंट कम है, ठीक है, तो एक्स परसेंट कम है तो बी की आमदनी से ए की आमदनी जो है दोस्तों बी की आमदनी से कितना प्रतिशत, यहाँ बी छूट गया है, बी की आमदनी से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। तो इस तरह को क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 100 और यहाँ से दोस्तों 100 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसे वृद्धि परसेंट निकालने के लिए फटाफट अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसको एक्स मान लिए तो इस रूप में लिख लिए, जब ये हमारा दिया हुआ है दोस्तों कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ 30%, ये दोस्तों कितना है 30% दिया है ना, 30% कम है, तो हम इसे कर लेंगे फटाफट 30 × 100 वटे 100 − 30 ट्रिक से, ठीक है। तो यहाँ से जो दोस्तों आ जाएगा क्या आ जाएगा, 30 × 100 / 70, और ये जीरो जब कैंसिल हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 30 × 10 यानी कि 300, और ये बच गया नीचे 7, यानी कि 300/7% जो होगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शंस नंबर ए के साथ चला जाएगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको अगले देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों। क्या कहता है कि यदि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को उसके उपयोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि चाय के खर्च में कोई अंतर ना हो। जी दोस्तों, इस तरह को क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, यहाँ 25% कमी है ना, तो 25% यानी कि 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, और 100 में माइनस कर देंगे 25, यानी कि 25 × 100, और यहाँ से घट के आ गया 75, यानी कि 25 × 75, तो बच के क्या बचा दोस्तों 100/3%। जी दोस्तों 100/3%, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 100/3%, यानी कि ऑप्शंस नंबर डी के साथ हमारा आंसर जाएगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सारी की सारी क्वेश्चंस इसी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत ना हो, सेम प्रोसेस सेम ट्रिक से बनेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे। कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की आधार में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। जी दोस्तों सेम प्रश्न है, तो इस तरह के प्रश्न को क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों 10% की कमी कह रहा है, तो 10% की कमी यानी कि 10 × 100, और जब कमी कह रहा है और निकालना क्या दोस्तों वृद्धि, तो कमी कह रहा है तो माइनस कर देंगे, और जब कमी वृद्धि दिया हुआ है कमी करेगा तो प्लस करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा। तो यहाँ जब कमी कर दी जाती है तो वृद्धि जब निकाल रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों माइनस कर देंगे, यानी कि 100 − 10 हो जाएगी, ठीक है, 100 − 10 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे दोस्तों 100 × 10 × 100, और यहाँ से 90, तो 10 × 90, अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 100/9। अगर इसे हम लोग परसेंट पूर्णांक के रूप में निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 11.1/9%, और ये भी परसेंट में ही होगा। तो हमारा ऑप्शंस जो दोस्तों किसके साथ जाएगा, तो हमारा ऑप्शंस सी के साथ चला जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छी लग रही तो लाइक भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बहुत ही सुंदर और आसान क्वेश्चंस। कहता है कि एक कंपनी द्वारा कलम के उत्पादन में जनवरी माह से फरवरी माह में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उस कंपनी द्वारा फरवरी माह से जनवरी माह में कलम की उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक था। जी दोस्तों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह को क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करें दोस्तों, 20% की कमी बोल रहा है और ये अधिक पूछ रही है, यानी वृद्धि पूछ रही है। पिछले महीना कितने परसेंट की वृद्धि थी, तो इस तरह को क्वेश्चंस को निकालेंगे दोस्तों। फटाफट क्या करेंगे, 20 × 100 कर देंगे, 20 × 100 और 100 − 20 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 20 × 100 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। यानी कि 20 × 80 और 4 से यहाँ काट दीजिए तो 25 × 100। कहने का मतलब ये दोस्तों, कितना परसेंट आ गया हमारा, 25% जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कहीं भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले ही मैंने अगले वीडियो में ट्रिक की बात कर लिया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कहता कि यदि यदि चीनी का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो किसी व्यक्ति को उसके उपयोग में कितनी कम कर देनी चाहिए ताकि उसके खर्च में कोई अंतर ना हो। जी दोस्तों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, क्या कहता है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो गया, 25 किलोग्राम, 25 रुपये प्रति केजी से हो गया, 20 रुपये प्रति केजी से हो गया 25 रुपये प्रति केजी। कहने का मतलब यह, दोनों के बीच डिफरेंस कितना का हो गया दोस्तों, 5 रुपया प्रति केजी का डिफरेंस हो गया, यानी कि 5 रुपया की बढ़ोतरी हो गई। तो उसके खर्च में कितना परसेंट की कमी करना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो बढ़ा वो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पिछले वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन बढ़ाया गया है। तो कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, कमी और वृद्धि परसेंट का जो हम लोग लगाते थे, तो किसके तुलना में दोस्तों, तो जो अभी जिस रेट पे मिल रहा है इसके तुलना में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 5 × 25 से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 × 25 और 5 × 10, कहने का मतलब ये 20 हो गया। ठीक है, 20 × 100, तो हमारा जो परसेंटेज आएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 20% हमारा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शंस नंबर सी के साथ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा गए होंगे दोस्तों, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों हम लोग नई वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपने आस पास स्वच्छता बनाए रखें दोस्तों, धन्यवाद।